आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय निकाय चुनाव की हलचल चल रही है और सभी पार्टियां इस समय रणनीति बनाने से लेकर लगातार धरातल उतरी हुई हैं। कारण, निकाय चुनाव 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में। भाई, निकाय चुनाव में अगर मनमाफिक सफलता मिल गई तो उसका परिणाम आगामी आम चुनाव यानी 24 के लोकसभा चुनाव में नजर भी आएगा। खैर, पार्टियां लगी हुई हैं और प्रयास पूरे जारी हैं और पार्टी के बड़े बड़े नेता के साथ बड़े बड़े नाम भी इस समय प्रचार में लगे हुए हैं। अगर भाजपा की बात करें तो हमेशा रणनीति के साथ काम करती है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य लगातार जनसभाओं के माध्यम से यहाँ पर अपने आप को और पार्टी को यहाँ पर प्रेजेंट करने के साथ साथ नीति और सरकार की योजनाओं को यहाँ पर जनता का पहुँचा रहे हैं। कारण यह है कि निकाय चुनाव चूंकि होता शहर की सरकार है, पर चूंकि वोटर वही होते हैं जो विधानसभा चुनाव में भी वोट देते हैं और लोकसभा चुनाव में भी वोट देते हैं। अगर इस बार वोटर आपके पक्ष में गया, अगर इस बार नगर निगम की 16 सीटों में इस बार आपने 14 जीती थी, इस बार 17 सीटें हैं और बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार हम 17 की 17 सीटें जीतेंगे। खैर, कितनी सीटें जीतेगी वो 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा, पर चूंकि चुनाव है और जिस तरह से बीजेपी द्वारा लगातार यहाँ पर चर्चाएं भी हो रही हैं, मेहनत भी हो रही है, संघर्ष भी हो रहा है और धरातल पर लगातार उनकी पार्टी के बड़े नेता, सबसे अच्छी बात है, खूबसूरती यही है बीजेपी की है कि कोई भी चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, पार्टी के सभी बड़े नेता मैदान पर उतर जाते हैं। यहां तक कि उदाहरण सिंपल आपको दूंगा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी पन्ना प्रमुख बन जाते हैं समय समय पर। पन्ना प्रमुख सब में छोटी इकाई होती है बूथ लेवल की, पर चूंकि देश के गृह मंत्री हैं उसके बावजूद पन्ना प्रमुख बन जाते हैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए और जीत के लिए। खैर, समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है, मेहनत कर रही है और जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव द्वारा भी लगातार उत्साह जगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेगी। खैर, 4 मई को चुनाव होने हैं, 11 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को परिणाम आएंगे, पर उसके पहले हम जिस तरह देखें अखिलेश यादव इस निकाय चुनाव के साथ साथ विपक्षी एकता को भी मजबूत करने में लगे हुए, जिस तरह हम लगातार देख रहे हैं कि कलकत्ता में हुई उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और इसके साथ साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का लखनऊ आगमन और एक प्रेसवार्ता के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना। खैर, विपक्षी एकता कितनी कामयाब होगी वो अलग बात है। फिलहाल यहाँ चुनाव महत्वपूर्ण है और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, फिलहाल भविष्य गर्भ में नहीं था, पर जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं, रैलियाँ चल रही हैं, जनसभाएं चल रही हैं, यहाँ पर सभी पार्टियों की जोर आजमाइश जारी है और फिलहाल जो फैसला है वो जनता जनार्दन के हक में निहित है और जनता जनार्दन बताएगी कि हमने किसको यहाँ पर जनाधार दिया है। फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सुनिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बड़े नेता गैंट विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे डिप्टी सिंह, डीपी जी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, कांग्रेस पार्टी को दिलाजी दी है। हम पार्टी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और हम सब जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। आस्तिक समाज के बड़े नेता ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, हम उन्हें परिवार के बाद पार्टी में ज्वाइन किए हैं और हम सब पूरे प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम सब मिलकर के प्रदेश को उत्तम प्रदेश, स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। को जो लोग बदनाम करते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है और बीजेपी समय समय पर इस वर्ग को भी हमेशा आगे बढ़ाती रहती है और विकास के मुख्य धारा में लाए के साथ साथ यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका भी देती है, जैसा कि 350 से ज्यादा टिकट यहाँ दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा भी यहाँ पर लगातार बातें कही जा रही है कि हम बेहतर कर रहे हैं और ये वर्ग हमारे साथ है। कह रहे हैं इस वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं चुनाव की, कि नगर संग्राम
यानी शहर की सरकार यानी गली की सरकार यहां कौन जीतेगा, क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण चर्चा विषय इसलिए भी है क्योंकि चुनाव के माध्यम से बहुत कुछ स्पष्ट होने वाला है कि 24 चुनाव के लिए किस पार्टी की कितनी तैयारी है। तैयारी की अगर बात करें तो यहां पर सभी पार्टी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है और स्पष्ट कर रही है कि इस बार जनता का जनाधार हमको मिलेगा। फिर आज जनता का जनाधार 13 मई को स्पष्ट होगा, पर यहां पर नीतियां बनानी बहुत जरूरी है। सबसे अहम बात, हम जनता के बीच जाते हैं, नीति बताते हैं, योजनाएं बताते हैं, पर जनता के मुद्दों की बात कौन करेगा। अगर स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी में जोड़ा गया है, पर स्मार्ट सिटी अब तक क्यों नहीं हो पाई, इसका जवाब भी यहां पार्टियों को, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को देना होगा और साथ ही साथ विपक्ष को भी देना होगा कि अगर आपको जनता ने जनाधार दिया है तो आप अपनी भूमिका यहां पर कब निभाएंगे। केवल 24 की तैयारी को लेकर या 24 को लेकर या ट्वीट की राजनीति अब शायद जनता पसंद भी नहीं करती है, न पसंद करना चाहेगी। जनता को चाहिए पदयात्रा, जनता को चाहिए संघर्ष और जनता को चाहिए धरातल पर पार्टी की विचारधारा को सामने रखना, क्योंकि यहां पर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और चुनाव है निकाय चुनाव, चुनाव है शहर चुनाव, चुनाव है आपका अपना गली का चुनाव, जहां पर अगर हम बात करें तो खाली पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है, यहां भूमिका होती है व्यक्ति विशेष की, यहां भूमिका होती है व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व की, और यहां भूमिका होती है समाज सेवा की, और यहां भूमिका होती है उसके आपस की व्यवहारिकता की, जिसकी जितनी व्यवहारिकता उसको उतना वोट। यहां पर मेरे ख्याल से जो एक सूत्र बताते हैं और एक जो जानकारी है वो जानकारी बताती है कि मोहल्ले का चुनाव होता है, मोहल्ले के चुनाव में वही इंसान जीतता है जिसकी हर घर के चूल्हे तक पकड़ होती है। चुनाव भी ऐसा है, गली का चुनाव, मोहल्ले का चुनाव, निकाय चुनाव। खैर, यहाँ चर्चा विषय महत्वपूर्ण है और चर्चा विषय के साथ यहाँ महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ पर सभी पार्टियाँ अपना अपना बिगुल बजा रही हैं, सभी पार्टी बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर अपना 100% देंगे, पर यह पार्टी कितना देगी और कितना यहाँ जीत पाएगी ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में नहीं था, और फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा कि यहाँ पर कौन नगर का सरताज बनेगा। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है और यहाँ पर एक व्यवस्था और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर तमाम तरह के नाम हैं वो भी पार्टी द्वारा हटाए जा रहे हैं, तमाम तरह के नाम हैं जिनको हटा दिया गया है पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण, और तमाम नाम ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टी से प्रत्याशी होने वाले थे और अचानक उनको सत्ताधारी पार्टी अपने खेमे में कर लेती है, क्योंकि चुनाव ऐसा है और चुनाव के माध्यम से यहाँ पर एक ही बात कही जा रही है कि जैसे भी हो जीत यहाँ पर हासिल करनी है। अगर निकाय चुनाव यानी 24 का सेमीफाइनल जीत लिया तो इस बाजी आपके हाथ में होगी, और फिलहाल इसको लेकर सभी पार्टियों में जोर आजमाइश का दौर जारी है। अब हम की बात यहां करते हैं, इस समय सारे प्रत्याशी जा भी रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं, अपना एजेंडा रख रहे हैं, पर एजेंडे के साथ साथ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप लगातार काम कर, क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो सालों से इस चुनाव को जीतते आ रहे हैं, सालों से पार्षदी चली आ रही है, 45-45, 50-50 साल की पार्षदी सीट यहाँ पर मौजूद है, और अगर 50-45 साल भी पार्षद सीट रहने के बाद भी अगर अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, अगर अपने क्षेत्र में व्यवस्था नहीं ला पाए तो फिर आपको जनता वोट क्यों देगी। तो मेरे ख्याल से ऐसे वोट मांगने जाना ही नहीं चाहिए, पर चूंकि जनता जनार्दन है वोट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, जनाधार भी मिलेगा, पर जनाधार मिलेगा किसको, उसी को या यहाँ पर परंपरा बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा मानना तो यह है परंपरा बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि परंपरा नहीं बदलेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान की उम्मीद भी रहेगी। आज हम चर्चा करते हैं, आज हम व्यवस्थाएँ करते हैं, आज हम बात बोलते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ अगर जा रहे होते तो शायद हमको एजेंडा नहीं बनाना पड़ता और 50-50 साल 40-40 साल से मौजूद इंसान अपनी जगह पे व्यवस्थित रहता, पर चूंकि चुनाव है और चुनाव में यहाँ पर वादे करना तो आम बात है, और वादे अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव की भूमिका क्या रहेगी। न वादे बिना चुनाव हो सकता है, न वादे बिना व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, न वादे बिना दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वादे नहीं होंगे तो चुनाव की भूमिका क्या होगी, और भूमिका नहीं होगी तो व्यवस्थाएं कैसे चलेगी, और व्यवस्थाओं को चलने के बीच बार एक स्पष्ट करता हूँ मैं आपको कि अगर चुनाव लड़ना है, बेहतर करना है, अगर नीतियाँ बनानी है तो जनता के बीच काम भी जरूरी है, और फिलहाल जब जनता की बात विपक्ष नहीं उठाएगा, जनता की बात सत्ता पक्ष नहीं उठाएगा, तो यह हम जैसे खबरन बीच की जिम्मेदारी है कि जनता की बात उठाएंगे, और प्राइम टीवी लगातार इस बात को उठाता आ रहा है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, जनता कोई भी मुद्दा हो, और निकाय चुनाव में वही मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं। तो यहां पर निकाय चुनाव पर बहस हो रही है
और निकाय चुनाव के लिए बहस के लिए हम सब तैयार हैं। चर्चा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और कुछ ही समय वहाँ से मेहमान जुड़ने वाले, मैं आपको रूबरू करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर चुनाव के चलते थोड़ा सा व्यस्तता भी रहती है और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और सभी की अपनी भागीदारी है। भागीदारी इसलिए क्योंकि यहाँ पर भागीदारी के माध्यम से केवल सुनियोजित योजना नहीं होती है, भागीदारी व्यक्ति की होती है, व्यक्ति भागीदारी व्यक्ति विशेष की होती है और भागीदारी वहाँ पर लोग मौजूद लोगों की होती है, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनता का प्रतिनिधि हो, चाहे सरकारी सेवा में हो, चाहे मोहल्ले का प्रधान हो और चाहे मोहल्ले का बुजुर्ग हो, या सभी लोग अपने अपनी पार्टियों के साथ उन सभी लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर जनाधार मिलेगा तो जनाधार के माध्यम से यहाँ पर लाभ मिलेगा। मोहल्ले का चुनाव है और मोहल्ले के चुनाव के माध्यम से एक चीज़ और स्पष्ट मैं करूँगा कि अगर बेहतरी की तरफ जाना है तो निकाय चुनाव को महत्वपूर्ण रखना पड़ेगा और निकाय चुनाव को महत्वपूर्ण रखने के साथ साथ एक बात और स्पष्ट करूँगा कि आपको बेहतरी की तरफ यहाँ आगे बढ़ना है, लड़ना भी नहीं है, बिगड़ना भी नहीं है और जीतना है। चुनाव चुनाव वो जिस पर सबकी नज़र है, चुनाव वो जिस पर सबका विचार है और चुनाव वो जो 2024 के पहले का सेमीफाइनल है। तो आज की प्राइम डिबेट में नगर का संग्राम जीतेगा कौन, नगर का सरताज बनेगा कौन और नगर की सरकार बनाएगा कौन। खैर यहाँ वोट सबको मिलेगा पर यहाँ पर हाशिए पे कौन जाएगा, किसकी यहाँ पर नीति बिगड़ेगी और किसकी योजना और रणनीति सफल होगी, ये 13 मई को परिणाम आ जाएगा। पर चर्चा महत्वपूर्ण है इसलिए चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ इसमें मेहमान रूबरू हो जाएंगे। तो यार आज चर्चा है कौन बनेगा नगर का सरताज और नगर का संग्राम यहाँ कौन जीतेगा, चर्चा विषय महत्वपूर्ण। और यहाँ पर सभी पार्टियों की बात करूँ, चाहे कांग्रेस की बात करूँ, चाहे हमारी पार्टी की बात करूँ, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करूँ, चाहे भाजपा की बात करूँ, सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और सबका एक ही मुद्दा है, सबका एक ही उद्देश्य है, वो है निकाय चुनाव में अपना परचम लहराना। और परचम लहराने के साथ साथ भी यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये जीत किसकी होगी। तो चर्चा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे से मेहमान जुटी को समय लग गया। तो प्रवक्ता भाजपा से शमसी आजाद अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विनोद सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से उनके फायरवान प्रवक्ता नितिन सिंह भाई अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में सुनील त्रिपाठी अपनी बात रखेंगे और प्रवक्ता सुभाषपा से उनके अग्नि प्रज्वलित प्रवक्ता दयाराम भार्गव अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दयाराम भाई बुरी बात तो नहीं माने मेरी बात को, अग्नि प्रज्वलित मैंने आपको बोला, हमेशा फायरवान रहते हैं आप, तारीफ आपकी कर दी, नितिन भाई मुस्कुरा दी आपकी बात पर, क्योंकि पहला टारगेट आपके भाई होने वाले हैं भाजपा छोड़कर। ठीक है शमसी आजाद, तैयारी कैसी है, सभी लगे हुए तैयारी में? धन्यवाद जी आपका और आपके चैनल का। कल थोड़ा नारा ज्यादा लगा लिया था, क्षेत्र भ्रमण पे था, अच्छा, आवाज साथ नहीं दे रही है, मैंने ज्यादा करनी पड़ रही है आपको। देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी छोटा चुनाव हो, अच्छा, और सबसे पहली बात है कि किसी चुनाव को छोटा समझ के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरते ही नहीं। अच्छा, वो जब भी तैयारी करती है तो सिर्फ उसके निगाह में एक ही चीज होती है कि चुनाव है और इसको जीतना है जी, और इसमें सारे समीकरण लगा देती है, चाहे पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, नगर पंचायत चुनाव हो, उप चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो जी, और उसका संगठन इतना मजबूत होता है भारतीय जनता पार्टी का कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि संगठन उनका बहुत पहले से तैयार रहता है और जनता उनका साथ देने को तैयार रहती है, क्योंकि अच्छा। ऐसी पहली पार्टी हमने देखा कि सत्ता में रहते हुए प्रत्येक सप्ताह कोई ना कोई कार्यक्रम उनका चलता जो रहता है, इससे जनता और कार्यकर्ता के बीच में जो एक सामंजस्य रहता है, जो एक मित्रता सी हो जाती है। आप देखें कि कोई भी कार्यक्रम आप करें और किसी के घर पर महीने में अगर 2 बार 3 बार 4 बार जाते हैं तो एक अलग से रिश्ता बन जाता है। पहली बार आप जाएंगे तो भले आपसे बात ना करें लेकिन दूसरी बार दरवाजे पे खड़े होकर बात करेगा, तीसरी बार घर में बैठा लेगा, चौथी बार चाय नाश्ता करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इसी पे काम करती है कि जनता के बीच में इस तरीके से आप घुल मिल जाएं कि जनता और कार्यकर्ता जो बिल्कुल अलग न दिखाई दे, एक दिखाई दे। अच्छा। और यही फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, अच्छा। संगठन की मजबूती का। और उसके बाद आपने देखा कि नगर निकाय चुनाव का जैसे ही बिगुल बजा तो एक आरोप हमेशा से लगता आया भारतीय जनता पार्टी आरोप बहुत लगते हैं अल्पसंख्यक समाज को सिर्फ और सिर्फ लालीपाप देने का। तो अच्छा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी बिल्कुल से खत्म कर दिया और 350 से ज्यादा सभासदों का, और उसके बाद आप देखें कि नगर निकाय में भी जो है उसमें भी आप देखें 36-38 सीटें और नगर पालिका में भी चेयरमैन के लिए 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अल्पसंख्यक समाज को दिया है और पूरी ताकत लगाई है कि इनको इस बार अगर जिता देंगे तो ये जो विपक्ष का जो एक छोटा मोटा जो आरोप लगता रहता है, विपक्ष जो छोटा मोटा मुद्दा इसको बनाए रहती है उसको भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है।
है। 2022 में आपने देखा जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज जो हमेशा किसी एक पार्टी का अधिकार माना जाता था, डरा के धमका के, और अनेक पार्टियां उनको समझती थी कि यही हमारे साथ हैं, क्योंकि उनको हमेशा से डराया गया कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आपका वोट का अधिकार छीन लेगी, आपको पाकिस्तान भेज देगी, आपको जो नागरिकता छीन लेगी, वो सारी बातें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से खत्म करके उनको सम्मान देने का काम किया। जो अल्पसंख्यक समाज में बिल्कुल दबे कुचले थे, जिनके पास कोई योजनाएं नहीं पहुंचती थी और हमेशा डराए धमकाए जाते हैं, दूसरी पार्टियों में पसमानदा समाज जिनको कहा जाता है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ऊपर करने का काम किया और उसी समाज से आते हुए राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया, अलग से मैसेज दिया, राज्यमंत्री बनाया जी, राज्यमंत्री बनाकर एक अलग से पहली बार आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चार इस वक्त हैं अल्पसंख्यक समाज से चार मिलती है, जबकि हुआ ये करता था कि एक या दो हुआ करता था तो वो अच्छा, भी अच्छा समझी भाई एक सवाल मिला सुना था कि साझापुर में आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, लेकिन एक परिवार जो हमेशा से समाजवादी पार्टी का वफादार रहा है, ऐसी क्या बात हो गई कि जब चुनाव का वक्त आया तो भारतीय उसने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर उसको अपना भविष्य, उसको अपना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में दिखा। मैं तो ये कहूंगा कि आप ये सवाल समाजवादी पार्टी से करें कि जिसने हमेशा से आपके लिए जान दिया, जिसने हमेशा से खून पसीना बहाया, क्या ऐसी बात रही है कि चुनाव के वक्त छोटा सा चुनाव यह था नगर निकाय का चुनाव जो कहते हैं कि छोटा सा चुनाव है, उसमें क्या जरूरत थी कि समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा परिवार, वफादार परिवार, जब होता यह है कि देखिए जब सम्मान किसी को नहीं मिलता तभी कहीं ना कहीं इसमें से पाला बदल की राजनीति होती है। जो राजनीतिक लोग हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि जो सम्मानित लोग होते हैं यदि उनके सम्मान में कमी आती है तो वो फौरन पार्टी छोड़कर जिसमें उनको लगता है कि इसमें राष्ट्रीयता है, इसमें राष्ट्रीयता है, इसमें राष्ट्र की भावना है, इसमें देश का विकास है, प्रदेश का विकास है, तो उनको जो लगता है कि सबसे अच्छी पार्टी है उनको सम्मान मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से सम्मान दिया, दोगलों की राजनीति नहीं किया, गद्दारों वाला काम नहीं किया कि आपको बुला लिया और आपको टिकट नहीं दिया, आपको टहला दिया जैसे कि और पार्टियां करती, उन्होंने अगर बुलाया तो उनको टिकट देकर सम्मान दिया है और आप देखेंगे कि उनको जिताने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा रणनीति बक्की है यहाँ पर? नहीं, रणनीति हमने पहले ही आपको बता दिया कि हम बूथ स्तर पन्ना प्रमुख से लेकर आपके राष्ट्रीय स्तर तक का हमारा संगठन है और जनता के बीच में हम रहते हैं, यही बात है। लगन भाई आप सम्मान नहीं देते इसलिए लोग चले जाते हैं आपकी पार्टी छोड़ के, मुस्कुराइए मत, ये बहुत बड़ी बात है। आप सम्मान नहीं देते पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और बीजेपी सम्मान देती है, टिकट भी देती है, लड़ाती भी और जीत कर भी लाती है, क्या दिक्कत है भाई? तैयारी आपकी अच्छी नहीं है? पार्टी अपनी शुरू से कम कम करके तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास ये सच बात है कि जो इन्होंने स्मार्ट सिटी के जुमले उठाए थे, जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को पहले गुमराह करने का काम किया था, इसको कोई क्वेटो बना रहा था, कोई सिंगापुर बना रहा था, कोई थाईलैंड बना रहा था और आखिर आज 9 साल हो गए देश के में मोदी जी की सरकार को, 6 साल हो गए माननीय योगी जी को और ये दूसरा कार्यकाल भी से समाप्त हो गया, दूसरा कार्यकाल 5 साल के बाद नगर सिंह की सरकारों का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन शहर में कूड़े के ढेरों के अंबार है, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट की लूट और भ्रष्टाचार है जी। सत्ता में रहते हुए विकास कार्य अवरुद्ध और भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहा, शहरों में प्रदूषण चरम पर रहा, यहाँ तक कि जो स्ट्रीट लाइटें और जो ट्रैफिक के सिग्नल के लाइटें वो तक नहीं जलती, उबर खाबर खर्चे, कहीं सैनिटाइजेशन नहीं, अन्ना पशुओं और कुत्तों के जो सड़कों में भरमार, इसके चलते प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जबकि चार चरण ये लोग कहते थे 3 स्तरीय सरकार, ट्रिपल इंजन में कटाउन से सुरवीर जनकिन के सभासद भी थे, इनके मेयर भी थे, इनकी प्रदेश में सरकार, इनकी देश में सरकार, इसके बावजूद जो प्रदेश में जिंदगी का आलम रहा, शहरों की जो अव्यवस्था रही, इसके चलते प्रदेश की जनता इनको हार करके देखने जा रही है। सही बात सम्मान, मुझे लगता है राजनीति में गौरव जी आप जानते हैं जो लोग संगठन में काम करते हैं और उसके बाद उनकी पहली इच्छा होती है कि मुझे राजनीतिक पार्टी मुझे टिकट दे दे और जिसको टिकट दे दिया गया हो वो अगर टिकट छोड़ करके किसी डर और दहशत में भाग जाता है तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि सम्मान जैसा कोई विषय रहा होगा। अब ये तो समझी आजाद बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि किस तरीके से किस डर और किस दहशत से और भी हमारे कई प्रत्याशी हैं वो अपनी स्थिति बताते हैं यहाँ पर
कि उनको क्या क्या ऑफर आए आखिर उस समय में, आप ये ले लीजिए ऐसे चलिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी को तो काफी जो कैंडिडेट है जहाँ जीत सकते हैं उनको किसी लालच से प्रमोशन से उधर से हटा दिया गया मैदान से, फिर सिंगल अकेले दौड़े प्रथम आ जाए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ तमाम मेयर के कैंडिडेट को, नगर पालिका कैंडिडेट को, जो इन तमाम प्रलोभनों से और किसी भी तरीके के पुलिस के कांडों डर से वापस नहीं हुए और वो मजबूती से आज चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रदेश में इस बार चुनाव 13 तारीख को रिजल्ट आएगा और बता देगी प्रदेश की जनता कि भारतीय जनता पार्टी के पाखंड से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से, भारतीय जनता पार्टी के आतंक से किस तरीके से वो मुक्त होना चाहती थी। और उसकी शुरुआत नगर निगम चुनाव से हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने की शुरुआत नगर निगम के चुनाव से करने जा रही है। नितिन भाई एक सवाल मेरा रहेगा, आपने कहा बीजेपी के पाखंड खत्म करके जनता यहाँ पर अन्य पार्टी चुनेगी, किसको चुनेगी? पेपर्स में मौजूद सपा को, आम आदमी पार्टी को, सुभाषपा को या कांग्रेस को? क्योंकि यहाँ विपक्ष की भूमिका की बात करो नितिन भाई तो किसी ने नहीं निभाई है, जनता के मुद्दों की बात किसी ने नहीं की है। ट्वीट की राजनीति को जनता स्वीकारेगी या नहीं स्वीकारेगी वो भी महत्वपूर्ण है नितिन भाई। और आप स्वयं बड़े संघर्ष वाले कार्यकर्ता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, आप स्वयं जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की पहचान संघर्ष की रही है, वो भी धरातल के संघर्ष की। और फिलहाल वो संघर्ष उतना नजर नहीं आता जितना समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है, क्या राय देंगे आप? निश्चित रूप से गौरव जी आपने सही कहा, समाजवादियों की पहचान संघर्ष रही है और संघर्ष ही रहेगी। और समाजवादी पार्टी की आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि चाहे हमारे जिले के कार्यकर्ता हो चाहे प्रदेश के हो और चाहे स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों ना हो, लगातार सड़कों में छोटी छोटी घटनाओं पे मौके पे पहुंचने का काम, तमाम कार्यकर्ता के घरों में जाने का काम, उनके छोटे छोटे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का काम लगातार जिस तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं और हम सब देखते हैं कि जिस दिन वो जिलों में निकलते हैं तो सुबह से लेकर रात तक सड़कें खाली नहीं, 150-200-500 मीटर तक में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं और लोगों का, आम जनमानस का जमावड़ा आदरणीय अखिलेश यादव जी के स्वागत और उनके संघर्ष के सम्मान के लिए उमड़ा रहता है। और समाजवादी पार्टी संघर्ष में है और सदन से लेकर सड़क तक आज सिर्फ और सिर्फ कोई संघर्ष कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही, इसलिए निश्चित रूप से प्रदेश की जनता विपक्ष में अगर कोई मजबूत खड़ा है तो समाजवादी पार्टी खड़ी है और उसी के साथ जाने वाली है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही खड़ी होगी। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस विनोद सिंह जी, भाई आप क्या, तो आप इस समय केवल छाटने का दौर चल रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी दो पदाधिकारी को हटा दिया गया, बड़े पदाधिकारी थे आपके, नाम नहीं लूँगा पर जानकारी शायद आपको भी होगी। पर विनोद भाई यहाँ पर चुनाव के समय जहाँ पर 4-5 दिन बाकी है पहले चरण में, राजधानी लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, और पार्टी के पदाधिकारियों को हटा देना अचानक, और अगर पार्टी के पदाधिकारी कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं उसके बाद आपको सूचना होना, तो कहीं ना कहीं अंदर का तंत्र आपका भी इस समय कमजोर चल रहा है। खैर मैं कमजोरी की बात नहीं करूंगा, राहुल गांधी बड़ी यात्रा कर चुके हैं, पर उसके बावजूद कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया, जो प्रभाविकता और जो व्यवहारिकता दिखनी चाहिए फिलहाल वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। बीजेपी द्वारा लगातार जनसभाएं हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार मैदान पर मोर्चा संभाले हुए हैं, पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ना हलचल नजर आ रही है ना व्यवस्था नजर आ रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेयर प्रत्याशियों की बात नहीं करूंगा, उन प्रत्याशियों में जा कितने बड़े नेता रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ प्राइम टीवी जो भी बात करती है वो आधार के साथ करती है, यहाँ पर बड़े नाम शामिल नहीं है, ना यहाँ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा है और ना कोई बड़ा नाम और ना राहुल गांधी। क्या आपको नहीं लगता है कि निकाय चुनाव महत्वपूर्ण है और कर्नाटक के साथ साथ यहां भी समय देना चाहिए, या निकाय चुनाव के पहले ही आप हथियार डाल चुके हैं बीजेपी और अन्य पार्टियों के सामने? नहीं देखिए गौरव जी, ये सही है कि कर्नाटक के अभी चुनाव पर सबकी नजरें हैं और पूरी पार्टी पूरी तन्मयता के साथ, ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी की झूठ जुमले विभाजनकारी नीति के खिलाफ एक सशक्त मजबूत विकल्प बन के खड़ी है और कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होना एकदम तय है जी। रही बात, आपने देखिए हलचल आपको हमारी दिखी, पदाधिकारी निकले नहीं निकले, जो अनुशासन की अवहेलना करेगा, जो पार्टी हित की अनदेखी करेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं मैं बता रहा हूँ कोई भी तो उस पर पार्टी अपने हिसाब से अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है।
लेकिन कोलाहल हलचल आपको भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखता? शमसी आजाद साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी देखिए किस प्रकार से एक इनके मंत्री, विवादित मंत्री, विवादित संदिग्ध भूमिका में मंत्री रहे, जिनको अभी कोई इलाहाबाद से ज्वाइनिंग हुई, इलाहाबाद चुकी चर्चा के इस समय बाजार में है, तो किस प्रकार से डिप्टी सीएम उसी सरकार के, देखिए क्या तालमेल है इनकी सरकार में, क्या लोकतंत्र है, डिप्टी सीएम ने ज्वाइन कराई, दोनों का गृह चुनाव क्षेत्र गृह क्षेत्र एक ही है, उन्होंने अपना प्रतिरोध जाहिर किया, अनिच्छा जाहिर की, उन्होंने कहा नहीं मैं तो जीतने आया हूं, मैं हराने आया हूं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कई कई खेमों में बट गई है। अच्छा। और समय समय पे इनकी ये जो अंदरूनी गुटबाजी है, ये पावर टसल वाली राजनीति है, सत्ता का केंद्र बनने की राजनीति है, ये बहुत लेकिन आपकी राजनीति क्या बोल, हमारी राजनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के, जैसे इन्होंने तो ज्योतिषी भी बन गए हमारे शमसी भाई साहब, इन्होंने सब कुछ कह दिया, विपक्ष मुक्त हो जाएगा, कोई नहीं लड़ रहा, हम तो हमेशा रोबोट की तरह काम करते हैं, ये वो अनाप शनाप होता कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन की सरकार बनवा दीजिए, आप पूरा कायाकल्प हो जाएगा, सारे स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। मैं इनसे पूछता हूँ 10 स्मार्ट सिटी बता दें, उसमें क्या स्मार्ट हुआ, केवल स्मार्ट तरीके से झूठ भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है, उसके अलावा कुछ नहीं स्मार्ट हुआ। अच्छा। और लोगों को बैकवर्ड बना दिया इन्होंने। अच्छा। स्मार्ट तो बना नहीं सकते, क्योंकि इनके पास विजन का अभाव है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से लूट के, गिरोह के, धमकाने के दबाव में कलई खुलते जा रही, जरा भी नैतिकता बनी है तो मैं इनसे कहूंगा अपील करें। अच्छा। अगर संदिग्ध व्यक्ति इनकी कैबिनेट का कोहिनूर बन के बैठा है तो उसका इस्तीफा शमसी आजाद साहब को खुद मांगना चाहिए। और जो इनकी 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 छवि को पूरी तरीके से धूमिल कर चुका है, धूमिल क्या, पूरा तहस नहस कर चुका है, उसके बाद भी सत्ता में ढोने का काम कर रहे हैं, तो इनको आरोप लगाने का कोई नैतिक राजनीतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। ये चूंकि बार बार जनता ने इनको सत्ता में रहने का मौका दिया, नगर निगम से लेके प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार में रहे, लेकिन उन्होंने जनता के लिए बदले में कुछ नहीं किया, ठीक है, केवल अपनी चमकाने की राजनीति करते रहे। आप क्या करने वाले बता दीजिए। हम देखिए आपने कहा कि बड़े नेता नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ। देखिए कांग्रेस की पहचान कार्यकर्ता है। अच्छा, ठीक। और कार्यकर्ता जिस तन्मयता के साथ, जिस ऊर्जा के साथ लगा है, बहुत अच्छे नतीजे अपने दम पर देने के लिए तैयार है। अच्छा। तत्पर है। और उसके तो मैं मानता हूँ लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी, बाड्रा और राहुल गांधी नहीं, बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं आएंगे, चुनाव बोला ना कार्यकर्ता लगा हुआ है, नहीं नहीं जरूर क्या है, बिल्कुल अभी भी आएंगे, आगे भी आएंगे, आते रहेंगे, समय समय पर आते रहते हैं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। हमारे नेता तो जिस तरीके से एक्टिव मोड में रहते हैं, जन सरोकार के मुद्दों को लेकर भारत के भविष्य के प्रति सचेत रखते हुए, सरकार के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ तानाशाही दबाव रखी राजनीति के खिलाफ जिस निर्भयता और निडरता के साथ हमारे नेता खड़े हुए हैं, पूरा देश उन्होंने जोड़ने का काम किया है। जोड़ने का मतलब कि वो अपने जन अधिकारों के प्रति सचेत करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसी तरीके से घबराई है, डरी है, क्या क्या स्वांग कर रही है, कैसे कैसे नाटक कर रही है, आपको मालूम है, समझ आ रहा है, बताएं कितनी डरी हुई, कितनी घबराई हुई है। ठीक है, प्रवक्ता सुभाषपा जयराम भाई, भाई आप भी बड़े मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ प्रेम मोहब्बत तो अंदरूनी चल ही रही है, पर प्रत्याशी भी उतार दिए है, अब परिणाम क्या होगा वो तो घर आने वाला वक्त बताएगा। तैयारी कैसी है और लड़ाई किससे आपकी, सपा से, भाजपा से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, किससे आप अपने आप को लड़ाई मानते, चुनौती मानते आपके लिए? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने जी अब तक सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी लोगों को तो देखा है जी। इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जो शहरी सरकार है जी, उसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राज्य है, उसमें 17 जो मेयर्स हैं जी, उसमें हमने प्रत्याशी उतारने का काम किया जी। 199 नगर पालिका जी, शहरों की जो सरकार है उसको उतारने का काम किया जी, सभासदों को, पार्षदों को उतारने का काम जी। आपने देखा होगा जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जी, हम सबसे पहले सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जा करके लोगों को बताने का और जगाने का काम किया। रोटी, शिक्षा, रोजगार, दवाई, महंगाई, स्वास्थ्य सुविधा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता में जाके बताने का काम किए। अच्छा। कि सरकारों ने, सभी सरकारों को आपने समय दिया, सबको आपने शीर्ष नेतृत्व देके सरकार बनवाई जी। इस बार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को समर्थन देकर के शहरों में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनाइए, तो जो शहरों की सरकार है जी,
जो निगमों की सरकार है जी, जो नगर पालिकाओं की सरकार है, जहां पर मूलभूत सुविधा साफ सफाई जी, स्वच्छ पेयजल जी, कूड़ा करकट से मरहूम जी, या जो उस शहरीकरण में जी अच्छे स्कूल कैसे बने जी, जी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बने जी, और साथ में जी पार्क की सुविधा हो जी, ये सारी सुविधा कैसे उपलब्ध हो जी, इसके लेकर के उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता में हमने जाने का काम। ठीक, अब बात आती है, मैं गाजियाबाद से आता हूं जी, यहीं पे एक नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर है जी, 12 लाख की आबादी है, 2.25 लाख के लमसम वोटर है जी, और यहाँ पे 34 सभासद है, एक चेयरमैन है जी। 2016 से पहले खोड़ा जो है ग्राम सभा हुआ करता था जी, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के नेतृत्व में जी, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के डंडे के जोर पर खोड़ा को नगर पालिका परिषद का दायरा 2016 में मिले। ठीक है, और इसी गाजियाबाद में पिछले 28 साल से भारतीय जनता पार्टी की मेयर है। आप गाजियाबाद में चले जाएंगे, तमाम जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ, उसका निस्तारण का कोई उठा रही नहीं भाजपा पर। ठीक है सर, मैं सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, हमारी बात आने दीजिए, क्योंकि देखिए चुनाव का माहौल है और हमें निकलना होगा जी। बोलो बोलो बोलो। मैं खोड़ा कॉलोनी की अगर बात करता हूँ, बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भाजपा वाले इस पर कतई ध्यान नहीं देते जी। खोड़ा की 12 लाख की आबादी में अब कान में जाके कहीं गंगा वाटर की बात भारतीय जनता पार्टी ने कहा, लेकिन आज तक खोड़ा कॉलोनी में गंगा वाटर का पानी सप्लाई नहीं हुआ। अच्छा। ना यहाँ पे सीवर देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। ना मकान नंबर दिया, ना गली नंबर दिया। जी, बहुत दर्द है। और मजे की बात है, सीवर की व्यवस्था ना होने की वजह से, स्कूल ना होने की वजह से, विद्यालय और आपको स्वास्थ्य व्यवस्था ना होने की वजह से, साथ में 12 लाख की आबादी मेरा जो खोड़ा नगर पालिका है, यहाँ पे एक सौदागिरी नहीं हो सका, यानी शमशान घाट भी नहीं हो सका। यहाँ के वासियों का अगर किसी का अचानक मृत्यु होती है तो गाजियाबाद नगर निगम में जाना पड़ता है या दिल्ली के गाजीपुर शमशान घाट में लेके जाना पड़ता है। ये विडम्बना, ये अव्यवस्थाएं नगर पालिकाओं में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के शासन काल में रहा हो, चाहे बसपा के शासन काल में रहा हो, या पूर्वज में कांग्रेस के शासन में रहा हो, आज बैठ करके सभी पार्टियां लंबी लंबी बातें करती हैं, लेकिन निकाय चुनाव की ये मूलभूत सुविधा है। ठीक है गौरव भाई, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। हम कर रहे हैं, अपने भाजपा के साथी से चाहता हूं। मैंने नमस्ते दिया, बोलिए। अपने भाजपा के साथी से उठाइए, बोलिए। पर मैं कह रहा हूँ, जो ओमप्रकाश राजभर जी मुलाकात करते हैं व्यवस्था के साथ में, कि औपचारिक मुलाकात थी, उस मुलाकात में बोल लिया करिए और थोड़ा संघर्ष भी कर लिया करिए। बहुत दर्द है, मैं जानता हूँ, खोड़ा नगर पालिका की बात जो आपने कही है वो सच्चाई है, तो थोड़ा सा इसको साधन रूप से भी पहुँचाएँ, जनता को भी पहुँचाना ज़रूरी है दयाराम भाई। और मैं आपको यहाँ पर धन्यवाद भी दूंगा कि आप यहाँ पर निर्भीक रूप से तमाम रिश्तों को, तमाम अंदरूनी मुलाकातों को, तमाम औपचारिक मुलाकातों को दरकिनार करते हुए अपनी बात कहते हैं। साधुवाद देता हूं आपको। ठीक है, बड़े पत्रकार सुनील त्रिपाठी बोलेंगे। नितिन भाई, आपके मुस्कर आ रहा है भाई। जी गौरव जी। जी गौरव जी, सबसे पहले तो मैं अपने नितिन जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि लखनऊ के मेयर सीट पर जी ऐसे व्यक्ति को उतारा है जी, जिससे भाजपा में कहीं बेचैनी जरूर पैदा हुई जी। उत्तर प्रदेश में कहीं हो न हो जी, लेकिन लखनऊ में मैं देख रहा हूँ जी कि बेचैनी तो उन्होंने पैदा कर दिया, इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, नितिन जी को जी। नितिन जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक जी? बोलिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ गौरव जी, जी इस चुनाव में जी कांग्रेस ने भी दांव लखनऊ में खेला है। अच्छा, ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिन्होंने कोरोना काल में बिल्कुल तन मन धन लोगों के लिए अर्पित किया निस्वार्थ, भले ही वो आज चुनाव में उतरी हूँ, लेकिन वो प्रक्रिया जी, वो प्रक्रिया, लेकिन उन्होंने समाज की सेवा की और ऐसी सेवा की कि जिस समय लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे कोरोना काल में, बिल्कुल उस समय महापौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने जान लगाई और जान बचाई लोगों की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग ऐसी परिस्थितियों में उनकी मदद लिए हैं, निश्चित रूप से वो जनता उस इस चुनाव में उनका साथ देगी। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने भी ऐसे व्यक्ति को उतारा है जो मीडिया से भी बिलोंग करती हैं, और थोड़ा भाजपा में बोल लीजिए। नहीं, आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ, बीजेपी से आ रहा हूँ, और मीडिया के भी लोग उनके साथ में है। दूसरे, एक ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र जो है वो बिल्कुल आंख मूंछ के
मैं निष्पक्ष भाव से कह रहा हूँ कि जैसे पूजा शुक्ला को जिताने के लिए लोगों ने ताकत लगा दी, हार गई वो अलग बात है जो भी हो, लेकिन ऐसे ही समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी जिनको बनाया है उनको जिताने में भी एकदम जनता अपने मूड में है और कांटे की टक्कर होगी। गौरव जी तेरा चार ब्राह्मण है भैया, क्या चार ब्राह्मण है? नहीं चार ब्राह्मण तो हैं, खरकवाल भी ब्राह्मण है, पन्ना मिश्रा भी ब्राह्मण है, अंजू भट्ट भी ब्राह्मण परिवार से आती है, लेकिन ये और सुभाषपा से अलका पांडे भी ब्राह्मण परिवार से। देखिए वो बात आपकी सही है जी, लेकिन जो ज्यादा बोल गया क्या मैं? नहीं नहीं भूलने में क्या गौरव जी, आपने बता दिया, धन्यवाद इसके लिए। जी कहना चाह रहा था जी, देखिए जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं उनकी अपनी मीडिया में भी एक अलग छवि है। देखिए समाज जो चुनाव लड़ता है सबकी अपनी छवि होती है गौरव जी, सबके सपोर्टर होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि 13 तारीख के रिजल्ट में आप देख लीजिएगा अच्छा कि कांटे की टक्कर है भाजपा की। अच्छा अच्छा मुझे लगा आप ये बोलने वाले हैं बन्ना मिश्रा जीत जाएंगे। अरे आप कहते जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, मैं सोच रहा था, लेकिन मैं जो मुझे लग रहा है, देखिए भाजपा ने भी ऐसे व्यक्ति उतारा है, बात है भाजपा का हमेशा ही महापौर यहाँ रहे हैं जी, लेकिन इस बार अच्छा अखिलेश जी ने ऐसे व्यक्ति उतारा है कि जिससे भाजपा को दिक्कत होगी और आगामी चुनाव में भी होगी। उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि मैं तो मानता हूँ बहुत छोटा पत्रकार गौरव जी, भाजपा से टक्कर के मूड में केवल समाजवादी पार्टी हमको दिखाई पड़ती ऐसा है। ऐसा मत कहिए, कांग्रेस वाले सुभाषपा वाले आपके पार्टी नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस वाले देखो हमारे भाई विनोद जी कह रहे हैं कि नेता तो हमारे सब जान ही रहे कार्यकर्ता। अरे ये मत सोचो, जो सुन समूह जानी तिरत जागत रात जो सोए, उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होए। आज कांग्रेस से ही हाल है, आपके कार्यकर्ता कहाँ है मेरे भाई ये तो बताओ हमको। ज्यादा पर बोलिए सुभाषपा वाले नाराज। नहीं नहीं मैं सच्चाई कह रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस में ही रहा बाबा से लेकर के हमको छोड़े बस, ठीक है। तो गौरव जी कार्यकर्ता अब कहाँ रह गए हैं? अच्छा। कार्यकर्ता अगर होते तो आपकी स्थिति वो कार्यकर्ता तो आपके साथ। सुनील भाई आप कहते हैं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच इनके बीच चुनौती है। मेरा ये मानना है लड़ाई इन्हीं लोगों बीच में है। अच्छा। बाकी तो अभी चुनाव आ रहा है, आप देख लीजिए क्या होता है। क्या समीकरण रहने वाले, कुछ आपका आकलन रहेंगे? जो मेरा आकलन है जी, बसपा और कांग्रेस जी ये लगभग 19-20 में जाएगी। अच्छा। लेकिन टक्कर में भाजपा से टक्कर लेने में केवल समाजवादी पार्टी ही दिखाई पड़े, क्योंकि उसके कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं इस चुनाव में भी। आप देखिए गौर कीजिए गौरव जी, आप तो निकलते फील्ड में, कि जैसे ही समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पहुंचता है उसके अपने कार्यकर्ता उस साथ दिखाई पड़ते हैं जी। कांग्रेस में बहुत जिम्मेदारी कर रहा हूं अपने मित्र से कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आप खो दिए हैं, वही 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 जनाधार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भाजपा ने लिया है। आज भाजपा कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं और इतने बड़े चुनाव में जहां से ऐसा मत कहिए सुनील भाई, अभी सत्याग्रह हुआ था राहुल गांधी के लिए, तमाम लोग कार्यकर्ता रोड पर थे, कार्यकर्ता ही थे। नहीं नहीं वो इन कार्यकर्ता, अगर वो कार्यकर्ता होते तो सरकार आप न बनाते यहाँ, बताइए हमको। अच्छा। चंद लोगों की सरकार नहीं बनती गौरव जी, ठीक है। कार्यकर्ता आपके बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक। मैं एक बार लेता हूं, ठीक है। समझी भाई, आप सबकी बात में मुस्कुरा रहे थे, ये मुस्कुरा का कारण क्या है? ये विश्वास है या अंदर की बेचैनी? देखिए सभी सम्मानित है यहाँ पे पैनल में, सबसे छोटा भी मैं और भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान भी करती है। अच्छा। विनोद सिंह ने देखिए बात उठाई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। अच्छा। लेकिन सबसे अच्छी बात सुनील त्रिपाठी जी ने जो कहा, तो उन्होंने खुद ही सबको खारिज कर दिया, कांग्रेस के प्रत्याशी को, सुभाषपा के प्रत्याशी को, सबको खारिज कर दिया। लेकिन उन्होंने लास्ट में यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की टक्कर है, लेकिन ये एक बात नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। तो इससे इनका मनोबल भी समझ में आ गया और इनका गुड़ागणित भी समझ में आ गया कि ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि इन्होंने एक खाद बिरादरी का पक्ष रखा, क्योंकि उसी बिरादरी से आते हैं, उसी का साथ किया, उसी का समर्थन करने की बात की। इन्होंने तो वही बात कर दी, इनका दर्द जो था वो छलक कराया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, ये खुल कराया। लेकिन आपने जब इनकी आंख खोली तो इनको लगा कि हाँ इन्होंने गलत बोला। जब आपने चार और प्रत्याशियों के बारे में बताया तो इनकी समझ में आया कि भावेश में उसको क्या कहते हैं, आवेश में जो है ये बोल गए थे खाद बिरादरी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी उतारा जो जमीनी सतह पर आज से नहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती आई है। और आज जो बड़े बड़े नाम थे भारतीय जनता पार्टी ने, बड़े बड़े डिप्टी सीएम के घराने से नाम थे, सीएम के घराने से नाम थे, बड़े बड़े ऊंचे घराने के नाम थे, लेकिन सबको किनारे कर केवल एक कार्यकर्ता पर विश्वास किया, यही भारतीय जनता पार्टी की जीत का मंत्र है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कोई भी विवाद नहीं हुआ जब जैसे ही सुषमा खरकवाल जी का नाम लिया गया, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी वोट भी 3 से 3.5 लाख के करीब है, तो उसको देखते हुए भी और जमीनी कार्यकर्ता
कार्यकर्ता के रूप में भी देखते हुए कि कोई नया विवाद ना हो, आज ये बात आपने खुद उठा दी कि इस पार्टी से इनको दिया गया, इस पार्टी से इनको दिया गया, लेकिन किसी का कोई जनाधार नहीं है। हमारे सम्मानित भाई सुनील त्रिपाठी जी, इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को कह दिया कि मैदानी में नहीं है, सुभाजपा का नाम ही नहीं लिया, सुभाजपा का एक वही बात। अरे जब आपने कह दिया कि कार्यकर्ता ही नहीं है तो सीधी सी बात हो गई, जिसका कार्यकर्ता ना उसका प्रत्याशी कैसे मैदान में लड़ाई लड़ सकता है, जिसके पास फौज ना हो वो कहां से जंग करेगा। तो आपने खुद ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया, आपको साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होकर इस बार फिर से आप देखेंगे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस बार इसमें विकास के डब्बे जब लगेंगे उसके बाद बहुत तेजी के साथ आप देखेंगे। आप बहुत देर से उंगली उठा रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? नितिन भाई आप बात लेता हूँ, नितिन भाई आप बोल रहे थे यहाँ पर, यहाँ कहा गया दयाराम भाई, नितिन भाई अभी बात लेता हूँ, दयाराम भाई आपने यहाँ कहा गया सुनील भाई द्वारा कि यहाँ पर तमाम पार्टियां जो हैं वो केवल केवल यहाँ पर नाम के लिए है, लड़ाई केवल सपा और भाजपा में है, सुभाजपा को उन्होंने कुछ नहीं कहा, कांग्रेस के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जी अब उनका चश्मा कौन सा पहन रखे, चश्मा नहीं पहनते हो, नहीं लगाते भैया, चश्मा नहीं हमारे पास, ये तो जयराम जी शायद देख लो मेरे पास चश्मा नहीं, चश्मा ले आता हूं आप देखिए तो मेरा काम चल जाएगा। जी जी मेरा चश्मा सफेद है जी, तो मुझे सब जगह सही दिखाई दे रहा है, अच्छा ही नहीं दे सब काला दिखाई पड़ रहा है। जी दूसरी बात, जी दूसरी बात अब सुन लिया जाए, दूसरी बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जी मेरठ में अपना मेयर जो चयन किया है, जो हमारे लड़ रहे हैं जी आमिर अहमद अंसारी जी, जी जो पूर्वज में कांग्रेस में भी रहे, बसपा में रहे, सपा को छोड़ करके अच्छा। उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन किया, हमने उनको मेयर प्रत्याशी उतारा जी, जी। गाजियाबाद से हमारे मेयर प्रत्याशी जो हैं सविता यादव जी हैं जी, उनके जो पति देव है वो सुंदर यादव हैं, जो हमारे पार्टी से राष्ट्रीय युवा मंच के जो है महासचिव है अच्छा। इसी तरह नगर पालिका खोड़ा परिषद के जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं, यहाँ से पार्टी ने इनको सुनीता झा को उतारा है, जिनके पति देव है लक्ष्मी चंद झा, जिन्होंने खोड़ा कॉलोनी को नगर पालिका करवाने में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा खोड़ा कॉलोनी को जो है नगर पालिका का दर्जा दिलाया, सर्वविदित है। दूसरी बात, आज 34 दिन थे श्रीमान लक्ष्मी कंद झा जी खोड़ा नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने 34 दिन से, हमारा 11 बजे से 2 बजे तक खोड़ा को गंगा वाटर कैसे मिले, अनवरत हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे कार्यकर्ता मजबूती से। इसी के साथ में दादरी जो नगर पालिका परिषद है वहां से हमारे शहाबुद्दीन जी है चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, हम इन पिलखुआ से हमारे हैं, हम तमाम लोग जो हमारे अभी हमारे साथी सुनील भाई कह रहे थे, मैंने कहा मान्यवर चश्मा उतारिए, कार्यकर्ता है और यही यही सोच था कि एक समय सपा एक समय बसपा, एक समय सपा और एक समय बसपा, अब देखिए जनता ने उठा करके भाजपा को बैठा दिया दूसरे पर भाजपा। मैंने कहा जनता को नजरअंदाज करने के बाद अगर किसी पार्टी के ऊपर जाता है, मैं ये नहीं कह सकता, जनता अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम मेयर नगर पालिका पार्षद हमारे सभासदों को अगर वो चयन करने का काम करते हैं, चुनाव जिताने का काम करते हैं, तो हम मुद्दों से नहीं भटकेंगे, हम नगर पालिकाओं में जो समस्या भरपूर मात्रा में है और अब गठबंधन भी नहीं करेंगे, काम करेंगे नगर पालिका नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म देखिए मैं पहली चीज तो सुनील भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ की आज इन्होंने एक निष्पक्ष बात कही, और लखनऊ में ही नहीं कानपुर में सुनील भाई आपको सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ वंदना बाजपे प्रत्याशी है विधायक अमिताभ बाजपे की पत्नी भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ रहे हैं अच्छा। और इसका एक प्रमाण और दूं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद आदरणीय पचौरी जी ने अपनी मौजूदा मेयर को भ्रष्टाचार की का पर्यायवाची साबित कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है वो अभी तक मेयर थी और 100 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार से कमाने का उनके ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद ने लगाया है।
इसलिए समाजवादी पार्टी कानपुर में भी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है, जिसकी आप समाज की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज में भी कानपुर जो सरयू पानी का भी बंटवारा हो गया है और कानपुर जो ब्राह्मण कानपुर का जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट वंदना वाजपेयी जिताने जा रही। अब बात मैं कर रहा हूँ, हमारे एक साथी बहुत देर से बहुत लंबी लंबी दाड़ लगा रहे थे, आप उनसे ये पूछ लो कि कितने कैंडिडेट वो लड़ाए हैं मेयर के और कितने की जमानत बचेगी। बाकी लड़ाई वड़ाई की बात तो छोड़ दीजिए, जमानत की बचेगी भाई, आप ही कानपुर में हमारे वार्ड में उनका कैंडिडेट नहीं है, इसलिए कोई इनसे लड़ाई हमारी है नहीं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे आस पास उनके कैंडिडेट नहीं है और मेयर का कैंडिडेट कानपुर में कौन है मुझे पता नहीं है, इसलिए कहाँ जाना है तो सेलेक्ट प्रदेश के लिए जमानत बचेगी में जुड़ना है। तो ये 111 है नहीं तो 47 से लेकर के 5 में सिमट गए, चाहे वो लोकसभा रहा हो चाहे विधानसभा रहा हो, आप से तो आया है। और बता रहे हैं आपको, सुनिए नितिन भाई इसको समझ लीजिए, हम जहाँ है वहाँ आपको जरूर दिखाई देंगे, आपको ये समझ में आएगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कारवा कितनी जल्दी उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में बढ़ा है। ये आपके बसपा और सपा के कारनामे हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, हमें लड़ाने का काम किया, हम उत्तर प्रदेश रोड पे तमाम छोटे छोटे पशु भोगते उनका जवाब नहीं दिया जाता है, सुहेलदेव पार्टी का जवाब जवाब है कि इन्होंने बहुत लोगों को जिताया है, बताते हैं कि भाजपा को जिता दिया, सपा को जिता दिया, इस बार ये पूछेंगे कि कितने कैंडिडेट की जमानत बचा पाए, जिता पाना तो जीरो में रिजल्ट आएगा जीरो, लेकिन जमानत कितने की बचेगी ये बता देना डिबेट के बाद। और जब चाल में हाथी और घोड़े सड़कों में चलते हैं तो छोटे छोटे जानवरों के भौंकने की जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए मैं मुंह नहीं लगना चाहता हूं, धन्यवाद। ये कौन सी बात है भाई, मर्यादा में रहिए नितिन भाई, ये कैसी बात कर दी भाई के लिए आपने। देखिए अब ये नितिन भाई को यही समाजवादियों का चार चरित्र चेहरा, इसीलिए इनका हश्र यहाँ जमीन पे आ रहा है। अच्छा, इन लोगों ने गुंडाई किया है, इन लोगों ने जमीनों को कब्जा करने का काम किया है, इन लोगों ने अपनी सरकार में थाने चौकियों के घेरने का काम किया है, इन लोगों ने किसानों को दबाने का काम किया है, इन लोगों ने हर जगह दबंगई दिखाने का काम किया है, इसीलिए ये घबराए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि गुंडों की सरकार, अगर समाजवादी मतलब गुंडों की सरकार, ये सरकार आएगी तो केवल गुंडाई करेगी, विकास का कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। अच्छा, संतुष्ट किससे आप, भाजपा संतुष्ट नहीं है, सपा संतुष्ट नहीं है, किसी सरकार बनाएंगे फिर आप, संतुष्ट भाजपा से भी नहीं, सपा से भी नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सरकार बनाए, समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन कर रखी है जी, बताए अलग हो कि क्यों नहीं चुनाव लड़ते, क्यों गठबंधन कर रहे हैं, बहुत मजबूत समाजवादी पार्टी है, बड़ा आरएलडी साइड से, चले ठीक है, सेपरेट लड़िए, चले ठीक है ठीक है, बिनोद सिंह बोले, ठीक है बिनोद सिंह बोलेंगे, बिनोद भाई सुभाषपा में बात करते हैं, कभी सपा से कर, कभी बसपा से गवर्नर, चले ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, बहुत बहुत ना, अरे हो गया हो गया, नाराजगी नहीं, ठीक है नाराजगी नहीं, ठीक है। बिनोद भाई, गौरव जी हर चुनाव अपने आप में रोचक और चुनौती, पर यहाँ पर जिस तरह सुनील भाई ने बात की, आपके लिए क्या कहेंगे उसके लिए। नहीं, सुनील भाई का अपना देखने का नजरिया है, चश्मा के नहीं, चश्मे और चश्मे की बात नहीं, उनको हमें तो चाहता हूँ आपको चश्मा ना लगे, आप ठीक से देखा करें, लेकिन थोड़ी दृष्टि कहीं ना कहीं इनकी बाधित लगती है, अरे बाधित लगती है, कौन बाधित कर दिया है, कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी लगते हैं। अच्छा, और चूंकि जब विश्लेषण, ये पूर्वाग्रह बीजेपी वाला है क्या, बहुत अनुभवी है तो बड़े अनुभव के साथ अपनी वाली बात कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते हैं आप जैसे लोगों के साथ विद्वान पत्रकार हुए, पकड़ तो लेते हैं, लेकिन अब जनता हम सबसे बुद्धिमान है, हमारे विश्लेषक महोदय सोचते हैं जनता नहीं पकड़ पाएगी, जनता सबसे पहले पकड़ लेती अच्छा। है, तो इनको थोड़ा सा सतर्क रह के ये करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बेड़ा गर्क किया है उत्तर प्रदेश का, देश का, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ सैद्धांतिक तौर पर किसी भी तरीके का समर्थन इस प्रकार के बुद्धिजीवी अनुभवी व्यक्ति को तो नहीं होना चाहिए। सच्चाई, सच्चाई बुरी लगेगी आपको, सच्चाई नहीं, सच्चाई है ही नहीं कुछ, सच्चाई बुरी क्या लगेगी। विनोद जी आप नहीं देखिए आप ये बताइए कि कांग्रेस कार्यकर्ता गांव में, मेरे बचपन में देखता था कि टोपी वाले गांव गांव दिखाई पड़ते थे मेरे बचपन में, आज वो कार्यकर्ता आप कहां खो गए हैं आप। मैं विद्वेष की भावना से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ कि जागिए,
जनता ऐसा नहीं कि भाजपा से एकदम संतुष्ट रही है, बहुत खुश है। अच्छा, आप कम से कम जैसे गौरव जी हर बार डिबेट कहते हैं कि रोड पे आइए, हम लोग छात्र राजनीति में रहे, छात्रों की समस्याओं को लेकर लाठी खाते डंडा खाते थे, रोड पे लेट जाते थे। आज ये बता दीजिए कोई जन आंदोलन महंगाई को लेकर आप कोई पार्टी छेड़ी हो, चाहे सपा चाहे बसपा चाहे भाजपा को छोड़ रखे, जिसने ये मुद्दा छेड़ा हो कि जन समस्याएं क्या है, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगार। नमस्कार जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी से सड़क पे, संसद में, कोर्ट में जनहित की बात कौन कर रहा है? लड़ाई आंख में आंख डाल के लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको तो ये मानना पड़ेगा मोदी जी से कोई टक्कर लेने की तैयारी नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है ही नहीं। आप आइए, सिलेंडर 1200 को मिला है, आप आइए रोड पे, जनता को बताइए कि 1200 लगातार हम रोड पे हैं। आप जैसे विश्लेषकों को यह है कि देखना भी चाहिए, जाग नहीं रहे हैं, मैं जगा रहा हूं, समझना चाहिए। मेरी बात आप करो, हमारे मुद्दों को, हमारी लड़ाई को तरजीह देने का काम करना चाहिए। कितना धरना प्रदर्शन किया आपने, आप देखिए लगातार हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदार नेता भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में भेजने का काम किया। हम जनहित की तो बात करते थे, जनता से हो रहा है, एक भी कोई आपका बड़ा पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में आया है? ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं आया? बोला तो है राहुल गांधी की सजा के लिए सत्याग्रह किया तो था उन्होंने। नहीं, जनता के लिए करना करे, अपने जनता के लिए करे। आप हथियार रख दिए हैं, राजनीति करना छोड़ दिए हैं, वरना इस चुनाव में ऐसा नहीं, जनता आपके साथ नहीं है। आप आइए, कम से कम कोई बड़ा आदमी जब आता देखे, योगी जी की आज मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग चल रही है, आपके वहाँ वरिष्ठ कोई है जिसका चेहरा देख? कर्नाटक में है, अरे कर्नाटक उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है गुरु जी। अच्छा, कर्नाटक से रास्ता नहीं आता है? अच्छा, तो आप कहाँ हैं? बोल रहे कर्नाटक सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे कर्नाटक सरकार बने चाहे ना बने, उत्तर प्रदेश सरकार तो बनाइए आप, कम से कम 25 साल हो रहे हैं। अच्छा, नया टेस्ट आए, नई सरकार आए, हम लोग भी लगे कि कुछ नया लिखने मिले, वही लिखते लिखते गाते गाते थक गए हम लोग। 1500 बदलिए तो नाराज हो जाएंगे। चलिए, आपकी बदलिए, आपकी इस भावना का कद्र करते हुए सब्जी आजाद साहब की जो आपने गलई खोलने का काम किया है, आपने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस से कितना लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, डर चुके हैं। तो अब आपने जब ये सोचा है तो इनकी विदाई सुनिश्चित है, जागिए ना, इनकी विदाई सुनिश्चित है। जब भाजपा आप कब्जा कर सकती है कार्यकर्ताओं पर, तो आप भी कीजिए, कुछ ऐसा लाइए कि कम से कम लोगों को लगे कि हाँ, हमारे लिए कांग्रेस काम कर रही है। और दयाराम जी से मैं एक छोटा सवाल कर रहा हूँ, दयाराम जी चले गए बोलेंगे समझी भाई, सबकी बात आपने सुनी, सबका अपना अपना कहना, पर आप अपनी बात पर अड़े हैं। आपका कहना है कि बीजेपी इस बार फिर उसी दमखम के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी परिणाम के साथ शहरों की सरकार में आ रही है जी। मैंने क्या इसका प्लस पॉइंट है, कांग्रेस मान नहीं रही है? प्लस पॉइंट यही है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और आपने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी ने सारी पार्टियों को किनारे करते हुए केवल एक समाजवादी पार्टी को अगर हमारे सामने लाके खड़ा किया है, तो हम समाजवादी पार्टी, हम आप चुनाव देख लीजिएगा, मैं बहुत छोटा पत्रकार हूँ, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला, मैं बहस कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों को ही सत्य साबित कर रहा हूँ कि आपने खुद ही कहा ना कि एक ही कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के, ये आपने कहा है कि नहीं कहा? मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि आपने कहा कि वो है, तो कम से कम आपने सारे प्रत्याशियों को, सारी पार्टियों को किनारे किया, नीचा किया, और समाजवादी पार्टी को ऊंचा करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन फिर भी आपने भारतीय जनता पार्टी को नंबर एक पे रखा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा मनोबल यहीं से बढ़ता है कि आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार भी एक अलग से जाति की बात जरूर करता है, लेकिन वहां पर भी ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मजबूत है, उसका संगठन मजबूत है। कांग्रेस के ऊपर आपने आरोप जरूर लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप नहीं लगाया कि उसका संगठन कमजोर है, कार्यकर्ता नहीं। तो ये बात ही हमारा मनोबल बढ़ाती है, और यही हमारी जीत का मंत्र है। ये आरोप समझी भाई कोई नहीं लगा सकता, यही हमारी जीत का मंत्र है। मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई भी चुनाव, सबसे पहले तो वो किसी चुनाव को छोटा नहीं कहती, जो और पार्टियां कहती कि छोटा चुनाव, तो हमारे यहाँ कोई चुनाव छोटा नहीं होता। आज भी हमारा मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं रैली कर रहा है, अभी दो दिन पहले यहाँ पश्चिम विधानसभा में था, 20 प्रत्याशियों के समर्थन में उसने रैली किया, आज भी कहीं ना कहीं कहीं कर्नाटक का दौरा कर रहा है, कहीं कहीं का दौरा कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे बड़े अधिकारी, हमारे जो बड़े मुख्यमंत्री हैं, हमारे बड़े जो पदाधिकारी हैं, संगठन के बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ उनका
का मनोबल बढ़ाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब छोटे से मोहल्ला इस वक्त कश्मीरी मोहल्ला चौपटिया में इस वक्त वहां पे भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है दौरा कर रहे हैं, बूथ अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं, तो यही सारी चीजें जनता को देखने में लगती है कि कोई तो है जो कम से कम जनता के बीच में रहने का काम करता है, जनता के दरवाजे पर पहुंचता है। और यही बात इस बार भारतीय जनता पार्टी को 17 जो मेयर की सीटें हैं वो जीत की तरफ ले जाने के लिए, मजबूत कदम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए यही एक जीत का लक्ष्य है। और यही आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनका भी यही कहना है और हमारे अमित शाह भी हैं, उनका भी यही कहना है कि कार्यकर्ताओं में अगर मनोबल बढ़ा रहेगा, कार्यकर्ता अगर उत्साहित रहेंगे तो फिर उनको कोई भी पार्टी हरा नहीं सकती। ठीक है ब्रह्म सिंह, आखिरी कमेंट। ब्रह्म सिंह, नहीं देखिए ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, मेहनत बिल्कुल हर राजनीतिक दल को, हर नेता कार्यकर्ता को, पार्टी को मेहनत करने की आवश्यकता रहती है जी। जनता के बीच में बार बार जाने की, उनके मुद्दों को एड्रेस करते हुए जी। और खासकर जब भारतीय जनता पार्टी जैसे लोकतांत्रिक गूंगी बहरी सरकार हो जो जनता के अधिकारों का दमन करने में विश्वास मानती है, तो उसके लिए तो हर पार्टी को जिम्मेदारी से तत्परता सक्रियता के साथ उनके बीच रहना पड़ता है। मैं इसको मानता हूँ और हम लगातार इसीलिए संघर्षरत है। इनके हजार दबाव झूठ प्रलाप प्रपंच के बाद भी जनता की बात, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, जनभावना से चलेगा, बचा पाए, कौन क्या बचा पाए, क्या नहीं बचा पाए, इसका मतलब नहीं है। नगर निकाय चुनाव में सीटें कहां से बचा पाए, हमें देश बचाना है। आपके झूठ जुमले, हिंसा और लाठी और गोली की गिरफ्त से जनता को निकालना है और ये हमने ठाना है, माना है और जनता ने मन बनाया है भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है, कांग्रेस को लाना है और देश को बनाना है। सुनील त्रिपाठी, ये जन जन मन खारिज किया है। अरे सुनील त्रिपाठी लड़ाई में नहीं है, सुनील त्रिपाठी आपने कहा भी, उनका सम्मान भी किया है। मैं बता रहा हूँ, मैं देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सुनील लीजिएगा, देखिए सुनील त्रिपाठी, देखिए सुनील त्रिपाठी जी, हाँ हो सकता कह दे विनोद भाई, सुनील तो नहीं कहा भाई की लखनऊ की सम्मानित जनता जो उसके विवेक पर निर्णय छोड़िए, सुनील सम्मानित, सुनील जी का एक ये सम्मानित है, एक इनका वक्तव्य या इनका एक ऑब्जर्वेशन ये पूरी चुनाव की भूमिका को नहीं डिसाइड कर सकता है। ये अलग बात है, कॉफी ऑफी के शौकीन अभी आप इनको स्टारबक्स में कॉफी पिला देंगे तो थोड़ा सा वो उस तरीके की बात। आपने आरोप लगा ही दिया, ये जनभावना का ख्याल रखिए, इतने सीनियर पत्रकार को, मैं आपके आकलन के खिलाफ हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ कि आपने एक वरिष्ठ पत्रकार को सम्मान में चोट पहुँचाने का काम है आपने, पूरे लखनऊ की, अगर आप ये मेरे पर आरोप लगाते हैं तो मैं मुकदमा कर देता हूँ। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। ठीक है, हो गया जी। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ चर्चा थी निकाय चुनाव को लेकर, यह चर्चा थी शहर की सरकार को लेकर, चर्चा थी यहाँ पर गली की सरकार को लेकर। फिलहाल आने वाला 13 मई बताएगा कि सरकार यहाँ किसकी बनेगी, सपा की, भाजपा की, आम आदमी पार्टी की, सुभाजपा की, या फिर सत्याग्रह करने वाली कांग्रेस की। फिलहाल ये जनता के हाथ में है और जनता जनाधार किसको होगी ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, अगर आपके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर उत्साह फूकने के लिए आपके पदाधिकारी नहीं आएंगे या आपके लोग नहीं आएंगे या आपके वरिष्ठ नेता नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं उत्साह में कमी आती है। और इतिहास गवाह है कि बिना सेनापति के सेना भी युद्ध नहीं जीत पाती है। तो सेनापति की भूमिका केवल युद्ध लड़ने की नहीं बल्कि युद्ध को गाइड करने की होती है, निर्देशित करने की होती है। और इतिहास बता चुका है कि सेनापति के बिना युद्ध नहीं जीता जाता है। तो सेनापति भी जरूरी है, कार्यकर्ता भी जरूरी है, सेना भी जरूरी है और जनता के मुद्दे भी जरूरी है। अगर विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं उठाएगा, अगर सत्ता पक्ष जनता के मुद्दों की बात नहीं सुनेगा तो ये हम जैसे खबरन बीच की जिम्मेदारी है, हम उसकी बात करेंगे भी, सुनेंगे भी, सरकार भी बनाएंगे, बहुमत भी दिखाएंगे, चर्चा भी करेंगे और जनता की बात भी उठाएंगे, क्योंकि हम खबरन बीचों की जिम्मेदारी यही होती है। सरकार बनती रहेगी और बिगड़ती रहेगी, हमारी जिम्मेदारी हमेशा जो रही है वो रहेगी और हम उसका निर्वाह फिलहाल करते रहेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।